कदम रखने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना मोमेंटस है, ये ओकेजन ही अपने आप में भव्य है। वैसे आपका और हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, कितना वेल डिफाइंड है ना। अब ऐसा ही कुछ अगर अक्षरा और हमारे अभिमन्यु की लाइफ में हो जाए तो क्या बुरा है। अब तलाकनामा तो दोनों ने साइन कर दिया है, लेकिन उसके बाद शुरू हुई है वही एक दूसरे को टशन देने की इनकी प्यारी सी नोकझोंक। गरबा तो खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि ये इतिहास है छोटे पर्दे के सीरियल्स का, जहां पर त्योहार टाइम पर शुरू भी नहीं होते हैं और ना ही खत्म होते हैं। अक्षरा का उसके सयाजी से ब्रेकअप हो गया है और गरबे पर बज रहा है ब्रेकअप वाला गाना। ये थोड़ा अजीब सा तो लगेगा सुनकर, लेकिन क्या करें, अक्षरा और अभिमन्यु के बीच इस सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है ना कि दोनों डांडिया के थ्रू ही एक दूसरे को पैगाम देंगे, जहां पर अक्षरा अपनी सहेलियों के साथ डांडिया करते हुए ये बता रही है कि आज वो ना अपने सैया से बिल्कुल नहीं बात करेगी। अब जब अक्षरा नखरे दिखा रही है तो भला सैया जी यानी कि अभिमन्यु वो कैसे पीछे रहेंगे, वो भी इस डांडिया के अखाड़े में उतर गए अपना जोश दिखाने के लिए। ये डांडिया रास कंपटीशन नहीं बल्कि एक दूसरे को ये बताने का कंपटीशन है कि हम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। अब अक्षरा अभिमन्यु आप दोनों का ये जो ब्रेकअप वाला खेल है ना, ये सब समझ रही हैं। आप दोनों को लग रहा है कि कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जरा घर वालों को देखिए, उन्हें तो साफ साफ सब नजर आ रहा है। अब तलाक के बाद ये सब तो होना ही है, क्योंकि इनकी लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू जो करनी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।